अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 8.1 ट्राइगोनोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगलर एट बी। हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, कहाँ पे? बी पे। तो बस ये ख्याल एक रखना है कि हम जब एक राइट एंगलर ट्रायंगल बनाएंगे तब ये जो राइट एंगल है ना यहाँ पे, बस सिर्फ यहाँ पे बी होना चाहिए, बस बाकी आपकी मर्जी है आप कहाँ पे ए और कहाँ पे सी रखोगे। तो सपोज हम यहाँ पे ए रखते हैं और यहाँ पे सी, बन गई राइट एंगुलर ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, तो अब हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा, सबसे पहले आप क्या करो, तो अगर हमारे पास दो साइड गिवन है तो पहले सबसे पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे। तो जैसे हमने कल भी किया था, सॉल्यूशन इन राइट एंगुलर ट्रायंगल, इन राइट एंगुलर ट्रायंगल ए बी सी बाय, हम करेंगे बाय पैथागोरस थॉम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज क्या है? तो हाइपोटेन्यूज है ए सी, या आप ऐसे भी रख सकते हैं बी। बी क्या है? बेस, बेस मीन्स ए बी, दैट इज 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 7 स्क्वायर, विच इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर, 25 इज 625 एंड 24 इज 576 प्लस 77 आर 49 इज इक्वल टू, दैट इज 6 प्लस 9 दैट इज 15, 5 प्लस 7 दैट इज 2 एंड 5 प्लस 1 दैट इज 6। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 625, विच इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625, विच इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ गया? 25 के बराबर। तो अब मुझे आप बताओ हमें क्या क्या निकालना है, ज़रूरत क्या है? तो क्वेश्चन क्या है? साइन ए निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ साइन ए क्या निकलेगा? साइन का फार्मूला याद है? तो सम पीपल है, साइन होता है किसके बराबर? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, तो एंगल पहले देखो एंगल क्या है, एंगल ए है ना, तो याद होगा परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड विच इज बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी। बी सी क्या है? 7 सेंटीमीटर एंड ए सी क्या है? 25, ठीक है ना। तो साइन ए जो निकला दैट इज 7/25। अब कॉस ए तो आपको आएगा है ना, तो कॉस ए क्या आएगा? इसी का है कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला क्या है? कॉस ए एंगल यही है, तो कॉस ए इज करली ब्लैक हियर, ब्लैक हियर मीन्स बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अब याद ही रखना है कि साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड टैन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। कोशिश करो आप ये जबानी याद रखो विदाउट क्रेमिंग द दिस साइन, सम पीपल हैव करली ब्लैक हियर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो कॉस ए क्या है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ बेस क्या है यहाँ पे? ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी इज इक्वल टू ए बी क्या है? 24 डिवाइडेड बाई ए सी क्या है? 25। तो दिस कम्प्लीट्स योर साइन ए एंड कॉस ए। अब मुझे बताओ अब क्या करना है, तो पार्ट नंबर सेकेंड में साइन सी है ना, साइन सी। तो साइन सी सम साइन किसके बराबर है? परपेंडिक्यूलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, याद है ना आप। तो अब मुझे बताओ परपेंडिक्यूलर क्या है, पहले ये देखो एंगल क्या है। तो एंगल सी है ना, तो एंगल सी की बात करेंगे। तो अगर एंगल सी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर यहां से होता है ना, तो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ए की साइड होता है ए सी इज इक्वल टू ए बी। ए बी का वैल्यू क्या है? दैट इज 24 डिवाइडेड बाय ए सी दैट इज 25। दिस कंप्लीट्स योर साइन सी। तो अब क्या करना है आपको? कॉस सी। तो ये आपको मेरे तरफ से है ना, ये ले लो गिफ्ट। तो अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर
टू। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है? क्वेश्चन नंबर टू है इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर में ना यहाँ से जो फिगर है ना गिवन बुक पे, तो करना क्या है, फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका, टेन पी माइनस कॉट आर का। तो जरा मुझे बताओ टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू कैसे निकलेगा। पहले आपको टेन पी का वैल्यू निकालना है, उसके बाद टेन कॉट आर का वैल्यू निकालना है, उनको आपस में सबट्रैक्ट करो, आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो आप सोल्यूशन लिखो यहाँ से। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल है जिसके सिर्फ दो साइड्स गिवन है। तो मैंने क्या कहा था, थर्ड साइड पहले आप निकालो, बाद में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसके बाद पहले आप मुझे यहाँ पे बताओ कि कॉट ये जो थर्ड साइड है ना वो कैसे हम करेंगे। तो इन अ राइट एंगुलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हमारे पास जो राइट एंगुलर ट्रायंगल है वो क्या है, पी क्यू आर। तो इसमें हम करेंगे बाई पी जी टी बाई पैथागोरस थॉम। तो क्या है पैथागोरस थॉम, हाइपाटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपाटन्यूज स्क्वायर, मुझे बताओ आप हाइपाटन्यूज किसके बराबर है। तो हाइपाटन्यूज जो है दैट इज 13 इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस है ना क्यू आर। तो आप ऐसे ही रखो क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, 12 गिवन है ना, तो 12 स्क्वायर विच इंप्लाइज 13 13 आर 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 12 12 आर 144 इज विच इंप्लाइज। तो ये जो है ना यहाँ से 169, तो 144 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर विच इंप्लाइज 169 माइनस 144 किसके बराबर आएगा, 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर विच इम्प्लाइज क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब मुझे बताओ कि क्यू आर किसके बराबर आएगा, क्यू आर इज अंडर रूट ऑफ 25 विच इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो क्यू आर जो साइड है दैट इज 5। तो अब मुझे बताओ आपको क्या करना था, टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे टेन पी का वैल्यू। तो मुझे बताओ टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो टेन पी अगर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर मुझे बताओ और बेस मुझे बताओ जल्दी। तो परपेंडिकुलर क्या है, तो अगर यहाँ पे एंगल किसकी है, बात किसकी है, पी की, तो पी कहाँ पे है, यहाँ पे है ना पी। तो यहाँ पे मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या होता है, इसका अपोजिट साइड दैट इज क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस क्या है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ से विद रेस्पेक्ट टू एंगल पी, तो बेस कहाँ पे है, बेस है ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो हाइपाटन्यूज है। एंगल पी किस पे है, इस साइड पे, तो बेस है दैट इज 12 दैट इज पी क्यू। वेरी गुड, क्यू आर किसके बराबर, 5 डिवाइडेड बाई 12। आया समझ में, तो हमारे पास जो वैल्यू आया दैट इज टेन पी किसके बराबर, 5 डिवाइडेड बाई 12। तो अब क्या निकालना है, कॉट आर, कॉट आर किसके बराबर आएगा, कॉट आर आएगा टेन किसके बराबर होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो कॉट क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल आर, तो एंगल आर यहाँ पे है ना, एंगल आर यहाँ पे। तो एंगल आर की बात करते हैं, तो मुझे बताओ बेस क्या है, तो बेस है जिस पे एंगल आर है, तो वो कौन सी लाइन है, ये लाइन है ना। तो क्यू आर इज बेस, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी, पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू। तो इज इक्वल टू मीन्स यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाई पी क्यू का वैल्यू क्या है दैट इज 12। अब मुझे बताओ अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, डियर फोर, हमें निकालना था वैल्यू टेन पी माइनस कॉट आर का, क्योंकि हमें अब टेन पी भी पता है, टेन आर का वैल्यू भी पता है। तो टेन पी का वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 12 माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 12। मुझे बताओ 5 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12 किसके बराबर होता है, 0। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री इज साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट। तो हमें दो वैल्यूज निकालने हैं, तो अगर साइन मालूम है तो हमें वैल्यू निकालना है कॉस ए और टेन ए का। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखो आप यहाँ से, इस वक्त ये नहीं है कि ट्रायंगल वेंगल, इस वक्त साइन का वैल्यू पता है, तो साइन ए पता है ना, तो साइन ए किसके बराबर है, 3/4। मुझे बताओ क्या साइन ए के बदले हम लिख सकते हैं ना क्या, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपाटन्यूज। तो साइन ए के बदले हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपाटन्यूज। तो
इज इक्वल टू 3/4, विच मीन्स परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 3, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, 4। तो अब हम यहाँ से एक ट्रेंगल बना सकते हैं कि जिसका एंगल कहाँ पे रखना है, साइन ए है ना, अगर ए यहाँ पे रखते हैं तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। मुझे बताओ कि ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 3। तो परपेंडिकुलर आप मुझे बताओ यहाँ से है या यहाँ से। तो अगर एंगल ए की बात है तो एंगल ए के बदले मैंने लिखा ना परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए की बात है तो परपेंडिकुलर कहाँ से, यहाँ से। तो ये क्या है, 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 4। तो ठीक है ना, यहाँ पे आप अच्छे से देखना कंपेयर करके, इसका न्यूमिनेटर क्या है, पी, डिनोमिनेटर क्या है, एच। तो न्यूमिनेटर क्या है, 3, डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो ये आपस में बराबर है ना, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर के बराबर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर निकला, 3, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, 4। तो एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स मालूम है, तो हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं ना, कैसे, बाय पैथागोरस थ्योरम इन राइट एंगुलर, किस ट्रायंगल में, ए बी सी में। मुझे बताओ पैथागोरस थ्योरम किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर, हाइपोटेन्यूज है ना 4, तो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके बराबर, ए बी के बराबर है ना, तो प्लस परपेंडिकुलर किसके बराबर, बी सी के बराबर, सॉरी परपेंडिकुलर बी सी, तो दैट इज 3। तो आप डायरेक्ट लिखो 3, विच इम्प्लाइज 4 स्क्वायर दैट इज 16 है ना, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 3 आर 9, विच इम्प्लाइज दिस इज 16, 9 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -9 बनेगा ए बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 16 -9 दैट इज 16 -9 दैट इज 7 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, विच इम्प्लाइज ए बी किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ 7। तो ए बी का वैल्यू क्या आया यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 7। तो अब हम निकाल सकते हैं ना कॉस ए और टेन ए, कैसे, तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे और टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस ए माइनस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, याद रखो बेस डिवाइडेड बाय कर्ली ब्लैक हेयर, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल ए की बात ही है ना, तो एंगल ए विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए बेस, यहाँ से ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी इज इक्वल टू ए बी किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ 7 के बराबर, ए सी 4 के बराबर। तो ठीक है ना, कॉस ए का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या निकालना है, टेन ए, तो मुझे बताओ टेन ए किसके बराबर, टेन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर, तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए परपेंडिकुलर है ना यहाँ से, तो परपेंडिकुलर बी सी है इस ट्रायंगल में, तो बेस क्या है, ए बी इज इक्वल टू बेस बी सी दैट इज 3, और ए बी क्या है, अंडर रूट ऑफ 7। तो हमारे पास जो वैल्यू निकालना था दैट इज कॉस ए और टेन ए, तो हमने वो निकाला। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, स्टे होम एंड स्टे सेफ, थैंक यू।